अच्छा हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। नुसरत रहमत एलिगेंस लर्निंग फोरम से एक टॉपिक के साथ, बट आज का जो टॉपिक है वो बहुत टची और बहुत कहना चाहिए ना, अगर हम कहें तो बहुत सारी माओ की दिल की आवाज होगी। हम देखते हैं कि लाइक बच्चा जब छोटा होता है, और यहाँ पे स्पेसिफिक कुछ पॉइंट से बात करूंगी जो हमारे पाकिस्तान कल्चर में चल रहे हैं, कि लाइक लड़की जब होती है तो एक तो हम बहुत नाजुक लगते हैं, उसको कोशिश करते हैं कि पिंक कलर, उसको बहुत ज्यादा हमने प्रोटेक्शन और सॉर्ट ऑफ लाइक थिंग्स रखी होती हैं। बट ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें तो मेल्स की, तो बॉयज को हम लोग ब्लू कलर, और हमने कुछ कलर्स एसोसिएट किए हैं कि पिंक फॉर गर्ल्स एंड ब्लू फॉर बॉयज। बट एक चीज आती है, पाकिस्तानी सोसाइटी में अगर हम देखें थोड़ा सा, तो अभी भी कुछ फैमिलीज या कुछ जगहों पे अगर हम देखें, मुझे ये ख्याल इस वजह से आया कि बहुत सारा अगर हम देखें रमजान में प्रोग्राम चलता है कि जी रमजान के दिनों में हम दिखाते हैं कि ओल्ड होम्स में जो माए रहती हैं, जो फादर्स रहते हैं, तो हम बहुत ज्यादा उस चीज को शो कर रहे होते हैं कि जी हमारा ये कल्चर अब बनता जा रहा है, हमारे सोसाइटी के लोग हमारे बच्चे केयर नहीं करते। बट क्या ये प्रोग्राम सिर्फ रमजान में चलना चाहिए, वन थिंग। सेकेंड वन ये चीज आती है कि जब घर में जो अल्लाह ताला ने जब कुरान में भी बात कही है कि घर का सरबरा मर्द है, कहीं भी हम ये नहीं देखते कि औरत को सरबरा कहा गया हो, औरत को डिसीजन मेकिंग में के लिए कहा गया हो। मर्द को अगर सरबरा कहा गया तो इन्हीं रीजंस पे कहा गया, लेकिन अगर मर्द शुरू से ही बात अगर दिमाग में बिठा दे कि एक तो बच्ची को बहुत ओवर प्रोटेक्शन में रखे, और बट ऑन द अदर साइड ये बात करनी है कि जी बच्ची को ये दिमाग में डालते रहता है कि अच्छा अगर तुम कुछ लेवल पे पहुंच गई, तुम किसी मुकाम पे पहुंच गई, तो बस तुमने ही टैकल करना है और भाई को तो सब कुछ दे दिया जाएगा। दिस इज द राइट वे। सेकंड पॉइंट बहुत वैलिड आता है कि क्या हमारे यहाँ पे अभी तक ये सिस्टम नहीं चल रहा कि हम अपनी बच्चियों को इग्नोर करके और अपने बेटों के ऊपर कुर्बान कर रहे हैं, अपने पोतों के ऊपर कुर्बान कर रहे हैं। क्या अल्लाह ताला ने ये राइट हम सब में से किसी को दिया है? आई थिंक सो। ये बहुत ओवर सेंसिटिव पर्सन है। एक माँ जब चाहे बच्चा हो या बच्ची, जब एक माँ उसको जन्म देती है, उसकी परवरिश करती है, तो जब बेटा आगे से माँ के साथ बदतमीजी करता है ना, तो मेरे हाथ से अर्श तक सब कुछ हिल जाता है। क्या हमें इस बात पे सोचना नहीं चाहिए? क्या हमारी मॉर्निंग शोज में अगर हम जहाँ वो प्रोग्राम दिखाते हैं, क्या हमें ये सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रोग्राम नहीं दिखाने चाहिए कि एक बेटे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? क्या हम ऐसे अच्छे बेटे नहीं शो कर सकते अपनी सोसाइटी में जो मोहम्मद बिन कासिम, तारिक बिन ज़ियाद, राशिद बिन हास और बहुत सारे ऐसे मेहासे हैं कि जिन्होंने शहादत ली, कुर्बानी दी और जिन पे माए आज भी फख्र कर रही हैं? क्या हमारी सोसाइटी ऐसी लड़कों को प्रमोट करेगी या रिश्तेदार ऐसे बच्चों को प्रमोट करेंगे कि जी जो माओ के साथ बदतमीजी करते हैं, शाउट करते हैं, और जिनकी वजह से माँ बाप बीमार होते हैं, बट फिर भी उनको परवाह नहीं होती? मेरा आज आप सबसे ये सवाल है कि आप सब सोचें और इस पर जरूर कमेंट्स करें और अपनी ओपिनियन जरूर दें कि कम अज कम हम लोगों को किस तरह अपने माशरे को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, किस तरह ये जिम्मेदारी बेटा और बेटी दोनों की है। ये नहीं कि सिर्फ बेटियों की है या बेटों की नहीं है, या बेटों की है तो बेटियों की नहीं है। माँ बाप जब बूढ़े होते हैं वो बोझ नहीं होते, वो एक एसेट्स होते हैं, क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं तो माँ बाप हमारी उंगली पकड़ के हमें चलना सिर्फ नहीं सिखाते। हम अगर एक वर्ड सपोज एक कहानी है कि एक बच्चे ने एक वर्ड रिपीट करा था, तोता तोता तोता, तो माँ बाप ने उसको 10 दफा क्या 1000 दफा बताया कि हाँ ये वर्ड आप कह रहे हो, ये वर्ड है। तो हम माँ बाप की बात एक से दूसरी दफा सुनना भी पसंद नहीं करते। एक से 2 घंटे तो दूर की बात, हम आधा घंटा भी वो पेसफुली नहीं स्पेंड करते माँ बाप के साथ, जो एज ह्यूमन क्या एज मे हाथ चाइल्ड हमारा हक है, हमारा फर्ज है कि हम उनके साथ टाइम स्पेंड करें। हम आने वाली जो बहू है उन पे तो रखते हैं कि वो टाइम स्पेंड करें, बट आई थिंक सो किसी घर में आने वाली बहू पे ये जिम्मेदारी नहीं आती है। हाँ, बेटे की जिम्मेदारी आती है, और बेटा इस गुमान में भी ना रहे कि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको इग्नोर कर देगा और आगे उसका एंड भी फिर अच्छा ही होगा, क्योंकि जाहिर बात है एक वक्त उस पर भी बुढ़ापे का आएगा और उसको भी वो सब कुछ फेस करना है जो उसने अपने माँ बाप के साथ किया होता है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब इसमें मशवरा जरूर दें, एक सोचें जरूर कि हम सबको किस तरह
अपने आप को बेहतर करने, एक अच्छा मुआशरे में एक अच्छा सिटीजन बनना है। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को पसंद करें, एलिगेंस लर्निंग फोरम, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच।